Hi, this is Dr. Anshita Singh Rathore. I am a homeopathic practitioner and I have a clinical experience of 16 years. 16 years से मैं practice कर रही हूँ. आज मैं बात करना चाह रही हूँ teething tablets और teething pills के बारे में. Homeopathic teething tablets जो हैं वो बहुत popular सा product है. Over the counter बहुत उसकी sale होती है और usually doctors prescribe नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन parents खुद ही खरीद के अपने बच्चों को देते रहते हैं एंड कई बार हमसे मांगते भी हैं कि आप वो दो या आप prescribe करो. सो मैं बताना चाहती हूँ कि जो मिक्सचर वाले प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम पेटेंट्स कहते हैं होम्योपैथिक में, जैसे कि डेंटोनिक है और कुछ और भी हैं मिलते जुलते नाम वाले, ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है बच्चों के लिए. और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि अगर कंटिन्यूसली दवा ली जाए तो बच्चे और चिड़चिड़े हो जाते हैं और टीदिंग अच्छे से हो रही है, ठीक से हो रही है, ऐसा मैंने कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया है. इनफैक्ट वो दवाइयाँ बंद कराने के बाद टीदिंग और अच्छे से होती है और जो नेचुरल वे है वो कोर्स फॉलो होता है. माय पॉइंट इज़, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जो है बच्चों को नहीं दीजिए आप, अनलेस एंड अनटिल अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ है, तकलीफ एज इन लार बहुत बन रही है, गम्स में बहुत सूजन आ रही है, बच्चा परेशान चिड़चिड़ा हो रहा है, खाना पीना छोड़ रहा है, खाना नहीं खा रहा है, इसके अलावा हर एक दांत आने के साथ बच्चा परेशान बीमार हो रहा है या लूज मोशन हो रहे हैं, आपको बार बार उसको दूसरी दवाइयाँ देने की नौबत आ रही है, अगर ऐसा सिचुएशन है, इफ द चाइल्ड इज सफरिंग विद एनी सिम्टम्स, देन यू शुड गिव एनी मेडिकेशन. एंड एनी मेडिकेशन, बी इट होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हर्बल, एनीथिंग शुड बी गिवन विद डॉक्टर्स एडवाइस. आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, उनको आप बच्चे के सिम्टम्स बताइए, उन्हें देखने दीजिए और उसके बाद जैसी नीड है अकॉर्डिंगली वैसी दवा या टीदिंग के लिए जो भी उनको देना है सूटेबल वो दें, अदरवाइज नहीं देना है. मैंने अपने बच्चों को भी टीदिंग मेडिसिन दी थी क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, दांत अपने आप आते हैं, आप कुछ नहीं देंगे तो भी दांत आएंगे. अनलेस एंड अनटिल द चाइल्ड इज फॉलिंग सिक, देन यू नीड नॉट गिव एनी पिल्स टू द चाइल्ड. बच्चे को सूद करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं. पहली है टीदर, टीदर जो है चबाने के लिए बच्चों को अच्छा लगता है. इसके अलावा सॉफ्ट नैपकिन्स जिसमें ज़्यादा रुएं ना हो और कलर ना हो, ऐसे सॉफ्ट नैपकिन्स चबाने के लिए बच्चों को, नैपकिन चबाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत सूदिंग लगता है, उन्हें वो दे सकते हैं. और इसके अलावा गाजर, गाजर के टुकड़े, थोड़े बड़े टुकड़े जो कि बच्चा सोलो ना करे, बड़ा सा टुकड़ा आप दें, लेकिन जब भी आप ऐसी कोई चीज़ बच्चे को दे रहे हैं आपको उसके साथ रहना पड़ेगा ताकि वो गलती से निकल ना जाए, ठीक है. बट ककड़ी वगैरह नहीं देना क्योंकि बच्चे गलती से सोलो कर लेते हैं, पर गाजर थोड़ी सी कड़क होती है इसलिए वो सेफ है. सो ऐसी चीज़ें दी जा सकती है. इसके अलावा अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लीजिए, पर बिना पूछे अपने मनमर्जी से टीदिंग टैबलेट्स, मिक्सचर टैबलेट्स स्पेशली मत दीजिए. उसका कारण समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो दवाइयाँ होती हैं इसमें 5-6 दवाइयों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है. कौन सी दवा आपके बच्चे को सूट करेगी या नहीं करेगी ये हमें नहीं पता, इसलिए ये टैबलेट्स अवॉइड करनी है. ओनली मैं कई बार अगर पेशेंट्स बहुत इंसिस्ट करते हैं तो प्लेन सिंपल कैल्केरिया फॉस 6x पावर में मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर ज़रूरत हो तो, अदरवाइज वो भी नहीं देना. Thank you.